हेलो दोस्तों, लोकल इन्फोबाइट केस में मैं टिपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं दिखा रहा हूँ सिखपुरा स्टेशन जिसका कि रीडेवलपमेंट चल रहा है। यहाँ तस्वीर है वो इस तरफ है, देखिए आप फ्यूचर में जो ट्रैकें बढ़ाई जाएंगी वो इस साइड बढ़ जाएंगी। और यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर लखीसराय है, 26 किलोमीटर पर क्यूल है और इधर लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर गया है। ये सिखपुरा डिस्ट्रिक्ट है खुद और यहाँ एक स्टेशन भी है जो कि यही वो स्टेशन है जहाँ से फ्यूचर में आपको बरबीघा से कूड़ा की जो रेलवे लाइन है वो कटेगी फ्यूचर में। अभी की बात नहीं बता रहा, देखिए कब होता है उसका कार्य, जैसे उस चलेगा तो वो मैं दिखाऊंगा। क्योंकि बरबीघा के नारायणपुर में एक जगह है जहाँ दिक्कत हो रही है लेकिन शायद उसे सॉल्व कर लिया गया। चलिए मैं दिखाऊंगा, जो इस तरफ बना है बिल्डिंग वगैरह अभी भीड़ है, लोगों को हटने दीजिए छटने दीजिए। वैसे मैं बता दूँ कि ये टोटल 129 किलोमीटर का लेंथ वाला ये रेलवे ट्रैक है, डबलिंग जिसका कार्य चल रहा है जो कि क्यूल को गया से जोड़ेगी, चार डिस्ट्रिक्ट को ये कनेक्ट करेगी, अभी भी करती है। 10 ट्रेनों का स्टॉपेज है शेखपुरा में, लेकिन फ्यूचर पास्ट में जब ट्रेनें एक्सीडेंट होती है पटना रूट में तो इसी रूट से कटते हुए ट्रेनें जाती हैं गया होते हुए और मुगलसराय की ओर चली जाती है। ये दानापुर डिवीज़न में आता है, न्यूज़ के द्वारा मैं बता रहा हूँ या मैं पढ़ाई जो किया हूँ उसके द्वारा, कोई बताया नहीं है PDF के ज़रिए। और इस तरफ शहर बसा हुआ पूरा और इस तरफ भी पूरा शहर बसा हुआ, बस स्टैंड वगैरह इस साइड है। खाने पीने की सही सुविधा है, यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर मार्केट है मेन से, पूरा बाज़ार आपको मिलेगी। और ये गाड़ी ऑलरेडी 2 घंटा लेट है, ये एक FOB है जो कि बड़ा ही खूबसूरत और शानदार है। चलिए ऊपर चलता हूँ दिखाता हूँ, और ये एक झलकदार चमकदार शेखपुरा स्टेशन। खाने पीने की सारी सुविधाएं उस साइड है, बाहर आप निकल करके खा पी सकते हैं। बस स्टैंड इस साइड है, ऑटो वगैरह सब आपको मेन बाज़ार में जाने के लिए इस साइड मिलेंगी। चलिए और ऊपर कुछ चलता हूँ दिखाता हूँ। इस ट्रेन से बहुत पैसेंजर उतरा है, बहुत पैसेंजर का मतलब 3000 पैसेंजर की बात करो तो कम है, क्योंकि देखिए अभी भी कंटिन्यू लोग उतर ही रहे हैं। और चलिए मैं बाहर घुमाऊंगा, उस साइड जो डेवलपमेंट है वो चल रही है, उस तरफ तक भी दिखाऊंगा, थोड़ा सा भीड़ हटने दें। ये क्यूल गया पैसेंजर है, जमालपुर क्यूल गया। ये डेवलपमेंट की तस्वीर शेखपुरा स्टेशन, क्या एक शानदार स्टेशन जो कि बनकर तैयार हो चुका है। एक इस तरफ सारे जो भी स्टेशन है वो इसी टाइप के हैं, चाहे वो वारसलीगंज हो गया, काशीचक हो गया, सिराड़ी हो गया, शेखपुरा हो गया या फिर तिलैया हो गया। नवादा भी जस्ट लाइक इसी टाइप का है, सब गुम्बज नुमा है। इस साइड फिर से दिखा दूँ, इस साइड लखीसराय क्यूल है और इस साइड सीधे जो है कि गया है। और गाड़ी ऐसे कटेगी फ्यूचर में इस साइड से होते हुए तो वो अस्थमा होते हुए और बिहार शरीफ होते हुए पटना को जाएगी। ये एक FOB है जो बड़ा ही खूबसूरत है, साफ़ सफाई अच्छी खासी है, अच्छी खासी पैसेंजर यहाँ पे उतरते हैं और चढ़ते हैं। कभी कभी बोलने में कुछ कन्फ्यूजन होती है तो उस चीज़ को माइंड मत कीजिएगा, बोलते बोलते धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और ये स्टेशन का भाग, बहुत सारे लोग इस तरफ से भी मेन बाज़ार चले जाते हैं, सीधे मेन बाज़ार है, या कुछ लोग बाहर से निकल करके इस साइड से निकल करके, मैं इस साइड से चलूँगा FOB से उतरते हुए और दिखाऊँगा क्या कुछ बदली हुआ है यहाँ। इससे पहले आया था तो ये नामकरण इसका नहीं हुआ था, पेंटिंग पचारा हो ही रहा था लेकिन अब हो चुका है। अच्छी खासी जगह ली गई स्टेशन के जगह पर और ये गाड़ी लगी हुई है, फिर से शायद यहाँ इसे वेट कराया जाए क्योंकि ऑलरेडी ये 2 घंटा लेट हो चुकी है गाड़ी। और यहाँ पर शेखपुरा स्टेशन का नाम लिखा चुका है और एक पंकज भाई हैं ACR, वो अक्सर यहाँ का वीडियो अपडेट करते हैं, उनका उनके चैनल को आप लोग फॉलो करें कंटिन्यू अपडेट पाने के लिए, पंकज भाई हैं। ये शेखपुरा का यहाँ पर हॉल वगैरह सब बन चुका है, पहले ये खुला रहता था तो अभी ताला जड़ दिया गया है, हॉल वगैरह लिख दिया गया है लेकिन अभी इस तरफ से ही ज़्यादा था। टिकट काउंटर वगैरह फ्यूचर में इसी में होगा, अभी प्रेजेंट में इस साइड है। और काफ़ी देख सकते हैं आप कि सेट वगैरह जो है काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो ये एक बदलाव की तस्वीर अच्छी है जो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर बहुत कुछ बदला है, ये सब नया हुआ है। और कंटिन्यू मैं दिखा ही रहा हूँ, कुछ बाहर का भी लुक दिखाता हूँ कि क्या कंडीशन है यहाँ की। टिकट काउंटर वगैरह अभी जो है वो रेड वाले के बगल में है। तो खाने पीने की सारी सुविधाएं मैं फिर से बताया, बस स्टेशन वगैरह यहाँ से आपको ऑटो मिल जाएंगी, इस तरफ से बस मिल जाएगी पटना के लिए, बिहार शरीफ के लिए, नवादा के लिए, हर तरफ के लिए गाड़ियाँ मिल जाएंगी यहाँ से। सीधे यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर फिर से बता दूँ कि लखीसराय है, 26 किलोमीटर की दूरी पर इस साइड। और ये यहाँ का अभी प्रेजेंट में टिकट काउंटर, इसका पहले भी मैं अपडेट दिया हूँ दिखाया हूँ। और यहाँ पर भी आपको खाने पीने की सुविधाएँ मिल जाएंगी, इस साइड जो देख रहे आप, देखिए भीड़ भाड़ और सब कुछ, खाने पीने की सुविधा, ऑटो वगैरह यहाँ से मिल जाएगी। ज़्यादा दूर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, नज़दीक के लिए 20-25-30 किलोमीटर तक, मतलब कि आपको बिहार शरीफ तक का ऑटो मिल जाएगा लेकिन बरबीघा तक जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और ये बाहर का लुक इसका शेखपुरा स्टेशन का, देखिए आप, देखिए बरबीघा चिल्ला रहा है, बरबीघा के लिए गाड़ी मिल जाएंगी, काशीचक के लिए मिल जाएगा आपको, वारसलीगंज के लिए मिल जाएगा, अलग अलग जगह पर मिल जाएगा ऑटो वगैरह सब कुछ। ये इसका गेटअप सेटअप है जो कि बड़ा ही शानदार है, ये हमारा प्यारा झंडा एक सलाम। और ये सब डेवलपमेंट का एरिया है, फ्यूचर में यहाँ सब डेवलपमेंट होगा क्योंकि लगभग 2700 करोड़ रुपए के लागत से बनने वाला टोटल प्रोजेक्ट है। मैं
नेवरा दनियावा शेखपुरा बता रहा हूँ, उसका प्रोजेक्ट ये गया कि उनका डबलिंग का हमको आइडिया नहीं है कितना कॉस्ट है इसका, लेकिन चलिए ऐसा नहीं है, मैं कंटिन्यू सर्च करता रहता हूँ और न्यूज़ देखता रहता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि पता नहीं चलता। यहाँ पर इंक्वायरी ऑफिस वगैरह सब लिख दिया गया है, सब कुछ कहाँ पर क्या होगा क्या नहीं। और ये शेखपुरा स्टेशन की झलक देखिए, यहाँ पर टिकट काउंटर वगैरह ये सब कुछ होगा। बदलाव की तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पर विकलांगों का भी ख्याल रखा गया। इस तरफ ये टिकट काउंटर है देखिए आप, और इस तरफ पूछताछ इंक्वायरी है, और ये एक गुंबदनुमा हवादार हॉल। फिर लोग इस तरफ से बाहर निकलेंगे, अपना तीन एंट्रेंस पॉइंट है, एक बड़ा एक और बाकी तीन छोटा, और इस तरफ से आपको गाड़ियाँ मिलेंगी। अभी बहुत कुछ बदलाव होगा तो मैं कंटिन्यू आप लोगों को दिखाता रहूँगा, अभी भी कुछ चीज़ें लगना बाकी है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ लगेगा। और ये डिज़ाइन बड़ा ही शानदार है। इस तरफ शहर है, मेन शहर आपको इस साइड है, अगर एग्ज़ाम सेंटर वगैरह पड़ता होगा तो इसी साइड पड़ता होगा। यहाँ से आपको बस, इस एरिया से आपको बस मिल जाएगी लखीसराय के लिए, लखीसराय के लिए क्यूल के लिए नहीं, लखीसराय क्यूल एक ही जगह है, बस एक किलोमीटर का वहाँ से अंतर है। और फिर आपको बिहार शरीफ के लिए, पटना के लिए बसेस आगे से बस स्टेशन से मिल जाएंगी, या फिर नवादा के लिए इस साइड से आपको बस ऑटो, काशी चक के लिए, शाहपुर के लिए, इन सब जगहों के लिए गाड़ियाँ मिलेंगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइएगा तो गाड़ियाँ आपको मिलती रहेंगी, लेकिन एक टाइमिंग है, शाम का टेंशन नहीं ले, 2 से 3 बजे तक ये एरिया को खाली कर दे अगर दूर जाना है तो यही एक छोटा सा अभ्यास था, प्रयास था मेरा कि मैं कंटिन्यू अपडेट देने की कोशिश की, आप लोगों को दिखाने की कोशिश की। चलिए अब मैं वीडियो को एंड करता हूँ, फिर किसी और पार्ट में किसी और नए अपडेट के साथ मिलूँगा। वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा और मेरी मेहनत वीडियो देखने की, थैंक्स। अभी मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को पूरा अच्छे से दिखाने का, फिर से देख लीजिए एक बार शेखपुरा स्टेशन, पुराना ये था और नया ये है, फिर फ्यूचर में डेवलपमेंट होगी तो इस तरीके से पूरा अपडेट मैं कंटिन्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ।